हेलो, आज हम लोग जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए, स्ट्रॉबेरी फार्म पे। और आप इस नज़ारे देखे कंट्री साइड के, कितने खूबसूरत हैं। तो बस हम लोग जा रहे हैं पिकिंग करने के लिए, और मौसम भी अच्छा है, ना ज़्यादा धूप थी ना ज़्यादा वो थी। फिर हम पहुंच गए, देखे हम पहुंच गए हैं, और विंडमिल भी है फार्म शॉप पे। और फिर हम लोग यहाँ पे हमने अपने वो उठाए, बास्केट्स लिए इन लोगों से। तो पहले कह रहे कि राजबरी की तरफ चलते हैं, राजबरी देखने गए। राजबरी का मुझे कुछ ख़ास नहीं, टू बी ऑनेस्ट, लगा, क्योंकि थी नहीं, कुछ नज़र ही नहीं आ रही थी मुझे, इक्का दुक्का नज़र आ रही थी। और जब मैंने उनको पिक किया तो खट्टी नहीं, मीठी भी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा खट्टी लगी मुझे। तो मैंने एक दो करके, आपको अलाव होता है कि आप एक ही दो आप फ्रूट को जो है वो आप कर सकते हो टेस्ट। तो मैंने टेस्ट किया, मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। तो मैंने इन लोगों को बोला कि मेरी अम्मी भी थी, मेरा भाई भी था, मेरी बेटी भी थी। मैंने कहा चलो हम लोग चलते हैं स्ट्रॉबेरी की तरफ। तो ये विंडमिल की वीडियो, मेरी बेटी कहती विंडमिल, वो तो एक्साइटेड हो जाती है विंडमिल देख के। खैर, हम लोग फिर स्ट्रॉबेरीज की तरफ आ गए। मुझे स्ट्रॉबेरीज भी कोई ख़ास नहीं, उससे पहले ही हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि स्ट्रॉबेरीज इतनी ज़्यादा नहीं है, सारी टनल्स खाली हो गई हैं, बस आउटसाइड की हैं। तो मैंने देखा मुझे कुछ ख़ास नहीं रेड वाली दिखी, तो आप ख़ुद ही देख सकते थे कि सारी ग्रीन है। तो ये हफ्ते दो हफ्ते में दोबारा ठीक होंगी। तो वो जहाँ जहाँ धूप पड़ी वहाँ वो रेड हो गई, और बाकी जो है वो वैसी की वैसी ग्रीन। एक साइड देखें इसकी रेड है, दूसरी तरफ से येलो है। तो मैंने भी फिर, खैर अब मैं आई इतनी दूर लेने के लिए, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत लेके चलते हैं। तो बस मैंने फिर वो ली थोड़ी बहुत, हम लोगों ने कोशिश करी लेने की, और आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरीज थी तो बहुत, लेकिन रेड नहीं थी, सारी ग्रीन थी। इनको टाइम लगेगा पकने में। और जो बाकी जो पीछे टनल्स थी वो तो सारी खाली हो चुकी थी। तो ये मेरी बेटी मुझे दिखा रही है कि रेड, मैं उसको बोला था रेड रेड तोड़ना, वो ना ग्रीन ग्रीन भी तोड़ लेती है, उसको इतनी अच्छी लगती है ग्रीन। मैंने कहा नहीं, ओनली रेड। तो मुझे दिखा दिखा के वो ना पिक कर रही थी। खैर, तो बस फिर हम लोग का, ये मेरी अम्मी आ गई हैं, मुझे दे रही है, मम्मी ने पिक करी थी, कह रही ये लो। तो मैं बस ना साथ में टिकटॉक वीडियोस भी बना रही थी, साथ में नज़ारे भी दिखाने के लिए, चले देख ले। मुझे कुछ ज़्यादा बोलना तो आ नहीं रहा था, लेकिन मैं कहा चलो बनाते हैं। उस मेरा पहला व्लॉग है जिसमें मैं आवाज़ भरी, वरना मैं नॉर्मली इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं आवाज़ भरूँ, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से करूँ और आदत बना लूँ इसको। तो बस आप नज़ारे देखें कितने हसीन है। फिर उन्होंने ये स्ट्रॉबेरीज पिक कर ली, फ़िलहाल बड़ी मुश्किल से मेहनत करके। फिर हम यहाँ पे अंदर आ गए फार्म शॉप पे करने के लिए। और ये मेरी और अम्मी की थोड़ी बहुत थी मेहनत, और ये मेरी बेटी की मेहनत थी, और मेरे भाई की थोड़ी सी मेहनत थी। तो 2 किलो तक तो हो गई थी। और ये पैन मुझे बहुत अच्छा, जो बास्केट टाइप जो है स्ट्रॉबेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो आई विल बाय नेक्स्ट टाइम। काफ़ी महंगा था। तो ये कप्स रखे हुए थे, कप्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे पास इतने सारे कप्स हैं कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि तुम कहाँ से इतने कप्स उठा के ले आती हो। जब मैं कोई चीज़ ख़रीदती हूँ कप तो कहते हैं रखोगी कहाँ, रखोगी कहाँ, जैसे पूरे घर में सिर्फ मेरे ही कप रखने की जगह नहीं है। खैर, तो ये फ्री फॉर्म की भी चीज़ें लगी हुई थी, ग्लूटेन फ्री, लेकिन मैं इस वक्त हनी देख रही थी। और इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें लगी हुई थी, मुझे काफ़ी टेम्पटेशन हो रही थी कि मैं कप ख़रीद लूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत रोका। मैंने कीचेन भी नहीं लिया, हालांकि मुझे ये बी वाला किचन बहुत पसंद आया था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका कि नहीं, मैं नहीं ले रही। और यहाँ पे क्रीम टी थी इतनी महंगी, 650 की, और आप स्कोन की हालत देखें, इससे अच्छे तो मैं ख़ुद घर में बना लूँ। तो मैं अभी कुछ टेम्पटेशन अपनी वो ख़त्म करके देखे, आइसक्रीम भी है रखी हुई, लेकिन मेरी बेटी का गला ख़राब था तो हम लोग आइसक्रीम नहीं खाते, हालांकि दिल चाह रहा था कि हम लोग आइसक्रीम खाएं। और यहाँ पे जो है हनी देख रही थी मैं, और
बिलाखिर मुझे वो कोने में पड़ा हुआ हनी मिल गया। फिर मैंने हनी ख़रीदा और फिर हम लोग घर वापस आ गए। ओके, अल्लाह हाफिज़।